At a time when fault lines appear to harden in the Congress party between the high command and an increasingly isolated group of senior rebels, Digvijay Singh was seen praising Union Home Minister Amit Shah for helping him out during the 2017 Gujarat Assembly elections. Addressing a gathering on Thursday, the senior Congress leader said that during 2017 polls, while travelling to Gujarat from Maharashtra, he was stuck in the middle of a forest area at around 10:30 p.m. as there was no road to go through it. To his surprise, a forest officer came up to him and said that Amit Shah had sent him to help him out. Saying that it is the political balance that leaders have forgotten nowadays, Digvijay Singh said, till that point, he and Amit Shah had never spoken face to face. However, he conveyed his regards and thanked him for the help. It is this mutual respect that we often tend to forget, he said. The statement comes at a time when many leaders among the old guard went public with their criticism of how the party was being run. P. Chidambaram, in a carefully calibrated tweet, said, I feel helpless when we cannot start meaningful conversation within party forums. I also feel hurt and helpless when I see pictures of Congress workers raising slogans outside the residence of a colleague and MP. The safe harbour to which one can withdraw seems to be silence. Sathiyo, dharma aur rajniti ki badi baat hui, usme main nahi jana chahta. Lekin एक बहुत ही ऐसी बात है जो लोगों को मालूम नहीं है. हमारे राजनीतिज्ञों में वैचारिक मतभेद होते हैं, कटता भी कई बार आ जाती है. मैं एक ऐसा उदाहरण आपको देने वाला हूं जिसका कभी आप सोच भी नहीं सकते. जिन दिनों हम गुजरात से निकल रहे थे, गुजरात के विधानसभा चुनाव चल रहे थे 2017 के. महाराष्ट्र से गुजरात में हमने जब प्रवेश किया, शाम हो गए थे और पहाड़ पे चढ़कर 10:30 बजे रात को हमारे मुकाम पर पहुंचे. वहां के अधिकारी साथ में थे. अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि उन जंगलों में गुजरने के लिए ना रास्ता था, ना ठहरने की व्यवस्था थी. एक फॉरेस्ट ऑफिसर साहब मेरे पास आए कि साहब, मैं फला फला हूं और मुझे, आपको आश्चर्य होगा, श्री अमित शाह जी के निर्देश है कि आपका पूरा सहयोग हम पूरे समय में करें. और चुनाव चल रहे हैं, दिग्विजय सिंह उनका सबसे बड़ा आलोचक, लेकिन उसके माध्यम से समाचार दिए कि उनकी यात्रा में किसी प्रकार का विघ्न नहीं होना चाहिए. पहाड़ों में से रास्ता काटा, हमारे सारे यात्रियों के भोजन की व्यवस्था की. आपको आश्चर्य होगा कि आज तक अमित शाह जी की और मेरी भेंट नहीं हुई है 1-to-1, लेकिन उनको धन्यवाद मैंने पहुंचाया, आभार व्यक्त किया. यही एक राजनीतिक समन्वय, सामंजस्य और मित्रता का एक प्रमाण है जिसे हम लोग कभी कभी भूल जाते हैं. साथियों, यही नहीं है, दूसरी तरफ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का सबसे बड़ा आलोचक हूं मैं. हां, विचारों का मतभेद है, लेकिन जहां भी मैं जाता था, 2-4-8 दिन के बाद कोई एक हमारे पास संदेश आता था कि साहब, कोई आरएसएस के व्यक्ति आपसे मिलना चाहते हैं, बुलाइए. मैंने कहा, भाई आप क्यों इतना परेशान हो रहे हैं, मैं तो आपका सबसे बड़ा आलोचक हूं. उन्होंने कहा, नहीं साहब, हमको निर्देश हुए हैं कि आपसे जाकर हम लोग चर्चा करें, और चर्चा करने के बाद हम लोग आपसे मिलने आए हैं.